फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में अब तक सरकार 696 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुकी है। इसमें 186 लाख मीट्रिक टन के साथ पहले नंबर पर पंजाब है। पूरे देश में अब तक लगभग 94.15 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को धान बेच चुके हैं, जिन्हें उनकी फसल के बदले 1,36,391 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में इस समय धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। हालांकि एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों की सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में है। यहां पर 21,05,972 किसानों को इसका लाभ मिला है, जबकि पंजाब के 9,24,299 किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 20 फरवरी तक 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ने अपने बुलेटिन में बताया कि धान खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। यहाँ के किसान 92.01 लाख मीट्रिक टन धान MSP पर बेच चुके हैं। इस मामले में 70.22 लाख मीट्रिक टन के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में 63.55 लाख है, वहीं हरियाणा में 55.31 लाख है, वहीं उड़ीसा में 47.87 लाख है, मध्य प्रदेश में 45.83 और बिहार में 39.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। देश भर के किसानों को धान की MSP के रूप में अब तक कुल 1,36,351 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इनमें पंजाब पहले नंबर पे है, यहां 36,623.64 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को 18,033.96 करोड़, वहीं हरियाणा के किसानों को 10,839.97 करोड़, उत्तर प्रदेश के किसानों को 12,553.55 करोड़, तेलंगाना के किसानों को 13,763.12 करोड़, आंध्र प्रदेश के किसानों को 6,760.50 करोड़ एवं बिहार के किसानों को 8,330.43 करोड़ रुपए मिले हैं। मध्य प्रदेश को 8,981.92 करोड़, वहीं ओडिशा को 9,677.99 करोड़ रुपए मिले हैं। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 में महाराष्ट्र में अब तक कुल 2,606.61 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। किसानों को ये पैसा 13,29,901 टन धान के बदले मिला है, जबकि 2019-20 में 3,164 करोड़ रुपए और 2020-21 में यहाँ के किसानों ने 3,547 करोड़ रुपए का धान बेचा था। हालांकि अभी ये खरीद सीजन खत्म होने में वक्त बचा है। देखना यह है कि महाराष्ट्र में धान बेचकर किसान पहले से ज्यादा पैसे पाएंगे या फिर ये घट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।